हमारे साथ इस वक्त जैक के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि जैक में जो परीक्षा में जो रिजल्ट निकाला गया और जो फेल जो छात्र हुए हैं, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया जैक पूरे कार्यालय में, उन पर क्या कुछ कहना है और आगे क्या कुछ उनके लिए सोचा जा रहा है, यह भी हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से हंगामा हुआ, जो वैश्विक महामारी कोरोना था उसके कारण परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी जी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हुआ कि ये पूर्व में जो परीक्षाएं हुई थी उसको आधार मान करके रिजल्ट बच्चों का दिया जाए जी। हम लोगों ने उसी आधार पर तैयार किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ये भी था कि 31 जुलाई तक रिजल्ट प्रकाशित हो जाना चाहिए जी। हमने 29 जुलाई को मैट्रिक का रिजल्ट दे दिया और 30 जुलाई को इंटर का रिजल्ट हमने दे दिया जी। उस देने में हमने आधार बनाया 11 का, जो मैट्रिक के लिए क्लास 9 में जो हमने लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम लिया था जी। और इंटर के लिए हम लोग 11 में जो बोर्ड एग्जाम लिया था उसी को हमने आधार बनाया जी। और उसके आधार पर हमने 80% मार्क्स दिया और 20% मार्क्स उसके स्कूल में जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर किया। और रिजल्ट ये जो हमने फार्मूला तय किया, ये फार्मूला हमने यहाँ से तैयार करके हमने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट से अप्रूव हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा था हमसे कि आप बताइए कि किस आधार पर, किस मेथड से आप रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी वो दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके किया, उसके बाद हम रिजल्ट दिए। मैट्रिक में 96% हमारा रिजल्ट हुआ, इंटरमीडिएट में भी 90% रिजल्ट हुआ है। अब इसके बाद भी अगर लड़के कहते हैं कि सीधे सबको पास कर दीजिए, या क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? संभव नहीं है सर। प्रैक्टिकल का नंबर जारी नहीं किया गया, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्या प्रैक्टिकल का नंबर? अगर स्कूल के या कॉलेज अगर मार्क्स नहीं भेजेगा, हम कहाँ से मार्क्स लाएंगे? तो कॉलेज वहाँ गड़बड़ी कर देता है और कहता है कि चले जाओ जैक। जैक कहाँ से लाएगा मार्क्स अगर कॉलेज नहीं देगा तो? सर, एक बड़ा सवाल है कि एग्जाम तो हुए नहीं, अब कंपार्टमेंटल उन्हें देना होगा एग्जामिनेशन, कैसे? जिस विषय में फेल है उस विषय में देंगे, जिस विषय में। और हमने एक सुविधा भी दिया है कि चूंकि हमने परीक्षा नहीं ली थी पिछले बार, इसलिए जो बच्चे फॉर्म भरे थे पिछले बार, हम उनसे कोई एग्जामिनेशन फीस भी नहीं ले रहे हैं। हम ऐसे ही उनको बैठने के लिए दे रहे हैं, वो अपना परीक्षा दें, निकल जाएंगे तो फिर हो जाएगा रिजल्ट। सर, कई छात्रों का यह कहना है कि हमने अच्छे मार्क्स लाए थे 10th में, 11th में। ऐसा नहीं हो सकता है, गलत कहते हैं। हमारा है जो प्रमाण दीजिए ना, हमको लाइए। कहने से मौखिक नहीं होगा, आप कागज लाइए कि किस कौन सा ऐसा लड़का है जिसको 11 में। निश्चित निश्चित हमने 50 ऐसे लड़कों को देखा, कैसे ऐसा हो जाएगा कि 11 में उसको अच्छा मार्क्स देगा, 12 में फेल कर जाएगा। अब कुछ बोल देना गैर जिम्मेवारी ढंग से, ये तो कोई मतलब नहीं है। सर, लगातार कार्यक्रम तालाबंदी किया गया, जिस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे, क्या वो सही ठीक है? ये तो छात्र से पूछना चाहिए ना कि तुम जो ये कर रहे हो ये सही है कि नहीं है। क्या विकल्प क्या निकाले हैं सर आपने? हमने तो कहा कि हमने दे दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन देंगे वो बच्चे, देंगे और रिजल्ट हम जल्दी जल्दी दे देंगे ताकि उनका वर्ष बर्बाद नहीं। तो ये एक बड़ी बात कही है सर ने, जो जैक के अध्यक्ष हैं अरविंद प्रसाद सिंह, उन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे फेल किए हैं उनके सभी रिजल्ट को देखकर ऐसा निर्णय लिया गया है, और ऐसे कोई भी बच्चे नहीं है जिन्हें कि एग्जामिनेशन में 10th में 11th में अच्छे मार्क्स थे और 12th में उन्हें फेल कर दिया गया। हालांकि उनके लिए एक विकल्प जरूर दिया गया है कि आप अब जिन विषय में फेल किए हैं उनका एग्जामिनेशन दें और पास करें, तो उनके लिए एक राहत बड़ी खबर हो सकती है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।